भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे बगल में एक पालिका मार्केट है, वहाँ पे ना बार्गेनिंग दबा के होता है। अगर दुकानदार आपको 1000 रुपये का बोला ना, तो आप स्टार्टिंग करो 200 रुपये से, तब जाके आपको एक सही रेट में मिलेगा सामान, नहीं तो इतना ज़्यादा बार्गेनिंग होता है ना कि आप पूछो मत। हे गाइस, स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल मैं हूँ कहाँ, ये आप देख सकते हैं, ये है जंतर मंतर। मैं हूँ अभी जंतर मंतर पे, और ये पूरा आप देखते हैं पीछे, ये है जंतर मंतर का एरिया। मैं जा रहा हूँ कनॉट प्लेस, जिसे कहते हैं दिल्ली का दिल। चलिए मैं आपको कनॉट प्लेस घुमाता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या है। ये हमने लिया है चॉकोबार आइसक्रीम, और हमने लिया है एक चॉकोबार। जंतर मंतर का पास ही पड़ता है कनॉट प्लेस। ये है स्मार्ट बाइक, यहाँ पे ऑनलाइन साइकिल बुक करके आप आस पास में साइकिल से घूम सकते हैं। ये माइक है? नहीं, ये कैमरा की यूज कर रखा है। कैमरा ब्लॉगिंग के लिए। क्या हुआ? कुछ भी, अभी लड़ी जाए, पता नहीं है, आके डायरेक्टली पूछ लेंगे ये क्या लगा रखा है। तो चलिए मेरे साथ जायजा लेते हैं कनॉट प्लेस का। सीपी को हार्ट ऑफ दिल्ली कहते हैं। कनॉट प्लेस को ब्रिटिशर्स ने बनवाया था 1911 में, जब देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई। उस टाइम लुटियन जोन में अंग्रेजों को बहुत ही बड़े तादाद में बसाया गया। उस टाइम अंग्रेजों के लिए एक इलीट क्लास की शॉपिंग कम्प्लेक्स की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में टाउन प्लानिंग कमेटी ने 1913 में कनॉट प्लेस मार्केट के लिए इस प्लेस को फाइनल किया। 1929 में कनॉट प्लेस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और 1933 में जॉर्जियन आर्किटेक्ट स्टाइल में 2 मंजिला खूबसूरत इमारत बनकर तैयार हुआ। तब से लेकर आज तक दिल्ली का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर एंड बिजनेस हब बना हुआ है। ऐसा नहीं कि सीपी ब्रांडेड कंपनी के शोरूम के चलते ही फेमस है, कनॉट प्लेस पालिका बाजार और स्ट्रीट मार्केट के बिना अधूरा है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो हर एक मेन ब्लॉक के सामने आपको गाड़ी की पार्किंग बनाई हुई है। कनॉट प्लेस के बीच बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है सेंट्रल पार्क। ये पूरा एरिया ना, पूरा सीपी का एरिया है, पीछे दिख रहा है पूरा मार्केट बहुत क्राउड है आज। और हालांकि हम गए थे पार्क में, बट वहाँ भी अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी जा रहे हैं, वहाँ पे कुमार विश्वास, अरमान मलिक, ये लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे पासेस अभी ख़त्म है, पासेस मिल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि पासेस ही अवेलेबल नहीं है। बट फिलहाल मैं आपको सिटी का यह मार्केट दिखा देता हूँ। भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे बगल में एक पालिका मार्केट है, वहाँ पे ना बार्गेनिंग दबा के होता है। अगर दुकानदार आपको 1000 रुपये का बोला ना, तो आप स्टार्टिंग करो 200 रुपये से, तब जाके आपको एक सही रेट में मिलेगा सामान, नहीं तो इतना ज़्यादा बार्गेनिंग होता है ना कि आप पूछो मत। तो यहाँ आप जब भी आए पालिका बाज़ार में, तो आप बार्गेनिंग उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होता है। यार प्यास ना मुझे काफ़ी देर से लगा हुआ है, और पानी का दुकान मुझे मिल नहीं रहा था, बट अभी सामने दिखा है तो मैं पहले पानी ले लेता हूँ, और पानी पीता हूँ उसके बाद करता हूँ। भैया एक पानी देना। भैया नॉर्मल है, ठंडा ठंडा नहीं है। एक काम करो, शिकंजी है ये, क्या है, क्या रखा अपने? ये अभी ठंडा नहीं है, क्योंकि तो फ्लावर है। पालिका बाजार का ना एंट्री यहीं से है, ये गेट नंबर 2 है, और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं अभी अंदर, और अंदर चल के मैं आपको पूरा मार्केट दिखाता हूँ। हम लोग अभी पालिका बाजार के अंदर आ गए हैं, और यहाँ से पूरा स्टार्ट हो रहा है पालिका बाजार। तो मैं आपको पूरा पालिका बाजार दिखाता हूँ, और पालिका बाजार में ना बहुत चीज़ें मिलती हैं। पालिका बाजार काफ़ी बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पे भाई बार्गेनिंग बहुत दबा के होता है। क्या लेना है? शॉर्ट और ये है पूरा पालिका बाजार का मार्केट। पूरा मार्केट आएगा। फाइनली हमने शर्ट ले लिया है। पता है शर्ट का एक का बताया था 800 रुपये, यानी कि 2 का 1600 रुपये मांग रहा था, और फाइनली वो हमें दिया है कितना में, 620 रुपये में। तो आप इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे बार्गेनिंग किस हिसाब से होता है, कि 1600 रुपये का सामान 620 रुपये में दिया है। तो यहाँ पे कोई नया आएगा तो किस हिसाब से कटेगा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी आप आइए तो उसी हिसाब से यहाँ पे बार्गेनिंग करना पड़ेगा आपको, ताकि सही रेट मिल जाए। और अभी हमने ऑटो बुक किया है, तो ऑटो आ रहा है, जैसे ही आता है फिर हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। पी तो हम लोग का ऑटो तो आ गया है, और
मेरा OTP है 1802। तो गाइस हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, ऑटो में बैठ गए हैं। यहाँ से अभी करीब लगेगा 1-1.5 घंटा हम लोग को जाने में।